अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। देखो, आप पूछ रहे थे ना इस पतीले को कैसे साफ़ किया जाए, तो देख सकते हो मैंने इसको साफ़ कर दिया। और ये इतना अच्छा साफ़ नहीं हुआ जितना, मतलब इसमें इतना साफ़ नहीं हुआ जैसे इसमें खाना बनाया जा सके। बस इतना साफ़ हो गया ये कि हम इसमें दोबारा तेल जो अर्क बनता है वो फिर से इसमें निकाल सके। तो देख सकते हो इसका जो इतना कचरा था, जो बुरादा जो जल के खाक हो चुका था, ये इतना निकल चुका है। चम्मच से मैंने इसको खुरच खुरच के निकाला, कोई मतलब पतीले को गर्म करने की ज़रूरत नहीं हुई, बस ऐसे ही इसको खुरच खुरच के निकाल दिया था। मतलब अर्क बना के इसके पतीले को मैंने रख दिया था काफ़ी टाइम तक, 1 महीने तक समझो। तो इसके बाद अभी मुझे आजकल में अर्क बनाना था, क्योंकि देख सकते हो नाखून में मेहंदी नहीं है, बिल्कुल निकल चुकी है। और रिलेटिव्स में शादी भी है तो मेरी कज़न को बनाकर देना था मुझे, इसीलिए तो इसको पतीले को मैंने धो लिया। अब इसमें दोबारा अर्क बना सकते, सिर्फ इस पर एक पतली लेयर लगी चढ़ी हुई है सिर्फ कालेपन की, उसका पूरा जो कचरा है वो पूरा निकल चुका है। तो इसमें हम दोबारा अर्क बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही हम जो पतीले को, मतलब जो भी देगची है जो गंदी हुई तो उसको फेंक दें, तो दोबारा हम इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हो। चम्मच से ही खुरच खुरच के भी निकालोगे ना तो इजीली निकल जाएगा, आपको ऐसे पतीले को गर्म करके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैंने कैसे साफ़ किया अगर आप वो कहोगे ना तो इसकी पूरी वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। ये बस मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मैंने ये ऐसे ही साफ़ कर लिया था, देख सकते हो एक प्लेट भर के उसका पूरा कचरा है, जो भी जो उसका कचरा चुरचुरा कचरा है वो निकला। और जो ये बीच में रखने वाली कटोरी है ये इतनी साफ़ हुई, अगर इसको और घिसती ना तो पूरी भी साफ़ हो ही जाती है। तो मतलब जितना मुझे मतलब तेल निकालने के हिसाब से लगा, मैंने उसी हिसाब से इसको निकाल लिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।